दर्शकवृन्द नमस्कार, कोरोना विशेष में स्वागत करै छी। हम अजय शाह शिवाली। पछिला समय में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़त जा रहा है, ओहो में बात करी तो लक्षण सहित के कोरोना संक्रमित बढ़ लागल छे। पछिला दू हफ्ता के मात्रे बात कैल जाए तो समुदाय में समेत कोरोना देखल गेल, जाय के कारण से एकटा तो उपराग ई आबि रहल छे कि आइसोलेशन वार्ड सब छै, अस्पताल के व्यवस्थापन के बात करी तो जतेक होवस चाही ओते नहीं छै, पर्याप्त तो नहीं भ रहल छै, से एकटा उपराग आबि रहल छै। दोसर देश संक्रमित जे सब छै ओमे लक्षण देखल जा रहल छै, एहन अवस्था में हुनका सबके इलाज के सेहो आवश्यकता छै। दोसर देश आइसोलेशन वार्ड सब एक किस्म से भरि गेल छै, आब जे संक्रमित नया आबै छै तो हुनका सबके इहो सलाह देल जा रहल छै कि अहाँ सब घर में रहू। अइ में बहुत गोटे के ई बात के जानकारी हेनाइ सेहो जरूरी छै कि होम आइसोलेशन के व्यवस्था नेपाल सरकार केने छै। ई नहि छै कि केओ संक्रमित भ गेलै तो हुनका सीधे ठेल ठाइल के आइसोलेशन में भेज देते राज्य, से बात नहि छै, कियाकि राज्य लए अपने ओतेक स्रोत साधन नहि छै कि सब कोई के आइसोलेशन में राखू। हम अहाँ जनते छी कि आइसोलेशन के व्यवस्था केहन छै, ओतय खाय पिय के या हरेक रह के व्यवस्था में उपराग आबि रहल छै कि ओतय नीक व्यवस्था नहि छै, ओहिसँ बढ़िया तऽ घरे में रहती तऽ ठीक भ जैतियै, से एकटा आम धारणा बनि रहल छै। इहे धारणा के संबोधन करय लए सरकार सेहो एकटा मापदंड तैयार केने छै कि केओ अगर होम आइसोलेशन में रह चाहै छियै तऽ हुनका स्वेच्छासँ होम आइसोलेशन में रह देल जेतै, तैं चिंता करय के कोनो बात नहि छै। वास्तव में होम आइसोलेशन के विषय में की छै प्रावधान जे राज्य अखन जारी केने छै, आइ एहि विषय में चर्चा करय जा रहल छी। अखन प्रत्यक्ष जुड़ल छै प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय के सह निर्देशक विजय कुमार झा। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत छै। धन्यवाद धन्यवाद। जे होम आइसोलेशन के जे प्रावधान नेपाल सरकार जे आनने छै होम आइसोलेशन के विषय में की छै, मापदंड की छै, केहन अवस्था में सर्वसाधारण व्यक्ति अगर चाहै छै कि हम होम आइसोलेशन में रही, अस्पताल में नहीं जाए, जे अस्पताल बनौने छै विभिन्न ठाव में आइसोलेशन वार्ड ओत नहीं जाए, हम घरे में रही, तो एकर लेल सरकार अखन आने प्रावधान की छै? बहुत सान्दर्भिक जिज्ञासा छी और बहुत महत्वपूर्ण बात। सरकार जे छै से 2077 साल असार 15 गते के जे एकटा मापदंड बनेने छै आइसोलेशन संबंधी, वही आइसोलेशन में घर में आइसोलेशन में बैसा के समेत जे छै से मापदंड जे छै से बनेने छै नेपाल सरकार। ओहि अनुसार की छै तऽ यदि पॉजिटिव केस छै, पीसीआर पॉजिटिव केस छै, जांच कला के बाद यदि संक्रमण देखल गेल छै कोनो व्यक्ति में और यदि हुनका में लक्षण चिन्ह नहीं छै, एसिम्प्टोमेटिक छै, अथवा बहुत सामान्य लक्षण चिन्ह सब यदि छै, माइल्ड टाइप के हल्का टाइप के लक्षण चिन्ह छै, तो ओहन व्यक्ति सब जे छै से घर में आइसोलेशन में बैस सकै छथि, से ई जे छै से निर्देशिका कहै छै। ओहिके लेल एकटा मंजूरीनामा लेबऽ पड़ै छै, ओहि मंजूरीनामा में ओहि व्यक्ति से मंजूरीनामा लेल जाइ छै, कंसेंट लेटर लेल जाइ छै, जाहिमे हम नीक से रहब, एहि मापदंड के हम पालन करब आ हम जे छै से एहि मापदंड के पूर्ण रूप से पालन क के हम घर में आइसोलेशन में रहब और यदि हमरा कोनो तेहन चीज हैत, लक्षण चिन्ह हैत, या हमरा कोनो संपर्क करय पड़त, परामर्श लेबऽ पड़त, तो हमरा लेल जे तोकल गेल स्वास्थ्य कर्मी छै हुनका से हम परामर्श लेब, सलाह करब आ वही अनुसार करब। एहि में हम पूर्ण रूप से मंजूर छी होम आइसोलेशन में रह के लेल, हम अपना इच्छा से जे छै से होम आइसोलेशन में रह चाहै छी, हमरा में कोनो लक्षण चिन्ह नहीं है, या यदि छैहो तो हमरा सामान्य लक्षण चिन्ह है, ताहि लेल नेपाल सरकार के जे मापदंड छै घर में आइसोलेशन में रहबाक, ओहि मापदंड के हम पूरा करब, से कहि कऽ यदि ओ मंजूरी नामा दै छथिन तऽ ओ यदि कंसेंट दै छथिन तऽ ओ जे छै से घर में रहि सकै छै। जी विजय जी, अपने जना होम आइसोलेशन के लेल घर में पहिल एकटा शर्त जना हमरा लागल कि लक्षण अगर नहीं छै तब तेहन अवस्था में मात्र होम आइसोलेशन में रहि सकैया,
या लक्षण छै तैयो होम आइसोलेशन में रह सकै छै? लक्षण चिन्ह नहीं छै या बहुत सामान्य लक्षण चिन्ह छै या लक्षण चिन्ह नहीं छै तो ओहन अवस्था में घर में रह के लेल गाइडलाइन कहै छै। मतलब सामान्य लक्षण में की छै ओमे तोकल? मतलब सामान्य लक्षण में केकरा मानते सामान्य लक्षण? सामान्य लक्षण में लो ग्रेड फीवर छै, माने हल्का टाइप के चीज से हल्का टाइप के फीवर छै, और जे दम नहीं फूले छै, मान लियो बहुत ज्यादा खोखी नहीं छै, हल्का जे छै से सर्दी बुखार जका छै, सामान्य छै, 104 डिग्री से देखल जाए। अइ में मेन लक्षण 100.4 104 डिग्री फारेनहाइट से बेसी फीवर भेले या सूखा खोखी छै या दम फूले छै, ई तीनटा मेन लक्षण छै। ई तीनटा लक्षण नै छै, जर बुखारो छै तऽ कम छै, खोखी छै तऽ हल्का छै, लक्षण छै या लक्षणे नै छै, ओ खाली पॉजिटिव छै। पीसीआर टेस्ट जे छै से पॉजिटिव देखबै छै, लेकिन हुनका में कोनो लक्षण नै छै, या सर्दी जुकाम जका मात्रे लागल छै, हुनका बहुत ज्यादे जे छै से बुखार नै छै, तेहन कोनो चीज नै बुझाइ छन हुनका, हुनका अपना बुझाइ छन जे कि हम एकदम फिट छी, हमरा तेहन कोनो लक्षण चिन्ह नै अछि। हां, तो ओहन अवस्था में हुनका यदि अपना बुझाइ छन जे कि जे हम ठीक छी, हमरा में कोनो उपद्रव नै अछि, हम घर में रह सके छी, और नेपाल सरकार के जे ई मापदंड छै, जे स्टैंडर्ड छै, जे गाइडलाइन छै, ओकरा हम पालना कऽ सके छी, जो हुनका बुझाइ छै लक्षण छै, लेकिन ओ एक किसिम से फिट छै, ओ अपना के ई महसूस करै छै कि हम फिट छी, त तेहन अवस्था में सेहो ओ होम आइसोलेशन में रह सकैए। रह सकै छथि, रह सकै छथि जी। आब एकटा तऽ ई भेलै आब मंजूरी नामा जे यावत जे प्रक्रिया सब अपने कहलिए तऽ कतऽ जाकर करते? मान लू कोनो व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव देखेले, पीसीआर टेस्ट करलकै, कोरोना पॉजिटिव देखेले, हुनका में कोनो लक्षण नै छै आ ओ रह चाहै छै होम आइसोलेशन में, नै तऽ ओ की करते? शुरुआत कतऽ से करते? स्टेप बाय स्टेप कह देल जाय, कतऽ जेते ओ? तऽ ओहिठमन जे छै, हाँ, तो वो अपने जे छै से जहन ओहिठमन ओहि पालिका में चाहे ओहि वड़ा में ओहिठमन स्वास्थ्य संयोजक छै, सब छथि स्वास्थ्य संयोजक, सब हरेक पालिका में छै स्वास्थ्य संयोजक सब, हुनका से संपर्क करके पड़ी अपना वड़ा के भीतर जे भी होम आइसोलेशन में रह चाहे छथि, वही संक्रमण भेला माने संक्रमण पुष्टि भ गेला के बाद, पॉजिटिव निकल गेला के बाद, ओ चीज जे छै से अपने के वही संक्रमित व्यक्ति के भी मालूम भाई छै, और वही ठमन वही पालिका के लोग के भी, स्वास्थ्य संयोजक के भी मालूम भाई छै, तो ओ दोनों आदमी संपर्क करता वही ठमन, संक्रमित व्यक्ति भी वही ठमन अपना पालिका के स्वास्थ्य संयोजक से संपर्क करे के पड़ले, और स्वास्थ्य संयोजक भी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क करे के पड़े, खोजा पड़े, वही के लेल जे छै से एक दोसर के खोजा के पड़े जे कहाँ छथि, की छथि, से बात दोसर जे छै से ओ जे लैब रिपोर्ट अबै छै, तो ओ लैब रिपोर्ट में कांटेक्ट नंबर सब देल रहै छै, बीमारी के कांटेक्ट नंबर सब देल रहै छै, वही कांटेक्ट नंबर से भी कांटेक्ट कऽ सकै छथि स्वास्थ्य संयोजक सब। स्वास्थ्य संयोजक जोड़े भेंट भेला के बाद मंजूरी नामा किनका दिए पड़ते? स्वास्थ्य संयोजक के देवे पड़ते, वही वार्ड में राख के पड़ते जी, ओकरा रिकॉर्ड राख के पड़ते स्वास्थ्य संयोजक के, तो उ तो अपना अपना वार्ड के जे छै, और वही के जानकारी जे छै से वड़ा अध्यक्ष जी के देबे पड़तै, और एक जानकारी देबे का तो फिर स्वास्थ्य संयोजक के भेले ना ई का सब? हां, वह बात करलो उचित, मतलब ई आगा के जते प्रक्रिया रहते से स्वास्थ्य संयोजक करते, अपना पालिका बीमार के काज भेले कि ऊ जाकर स्वास्थ्य संयोजक के भेटते, ओ भेटते या जे छै से स्वास्थ्य संयोजक जे छै से भेटते, तो दोनों के भेट घाट होवे पड़े, मंजूरी नामा लेवे पड़े, हम सहमत छी घर में रह के लेल, हम जे छी से तैयार छी, हमरा कोनो उपद्रव नहीं है, से कह के एक मंजूरी नामा लेते, वही के जानकारी जे छी से ओहिठमन के वड़ा अध्यक्ष जे वार्ड के उछथ बीमारी, ते वार्ड के वार्ड अध्यक्ष ओहिठमन जे छी से वार्ड अध्यक्ष रहै छथि, एकटा जे छी से हम सब
ओना पत्राचार भी कर जा रहल छी एक टा जे छी से रिक्वेस्ट भी एक टा जे छी से सब पालिका सब के कर जा रहल छी जे अपना वार्ड के जे भी होम आइसोलेशन में रह वाला लोग छथि उनका निगरानी कैल जाए, उनका निगरानी कैल जाए, उनका सहयोग कैल जाए, उनका कोनो जे छी से स्वास्थ्य कर्मी से जांच पड़ताल के व्यवस्था सब मिलाएल जाए। तो एक ढंग के जे छी से प्रदेशो सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय जे छी से एक टा पत्राचार कर जा रहल छै और सबके खबर भी कर जा रहल छै। चूंकि आइसोलेशन होम आइसोलेशन में भी काफी लोग सब छथि आइसोलेशन जेना डाटा जे छै प्रदेश दू सरकार के 1376 गोटे अखन होम आइसोलेशन में रहि रहल छै। हां 1376 गोटे होम आइसोलेशन में छथि जी 1432 गोटे जे हॉस्पिटल बेस्ड आइसोलेशन में। हां आ एकटा बात एमे और बुझ चाहब जेना अपने एकटा एकटा डर छै ने जे कोरोना पॉजिटिव अगर देखा गेले अगर कोनो लक्षण नै छै हमरा आ कोरोना पॉजिटिव अगर देखा गेले त तेहन अवस्था में एकटा ई डर छै कि राज्य हमरा तैन तुइन क वहे आइसोलेशन में जेकर उपराग बहुत सुनल जा रहल छै कि व्यवस्था नीक नै छै राज्य जे व्यवस्था केने छै सरकार जे व्यवस्था केने छै प्रदेश दू सरकार जे व्यवस्था केने छै ओ नीक नै छै आइसोलेशन ओहे जेबै तऽ आओर हम बीमार भऽ जेतै ई तऽ एकटा डर छै ने मतलब ई डर आब निकालि देबै तैयो होतै से कहि सकै छी अपने मतलब आब राज्य ई नै छै कि अहाँके पकड़ि कऽ सीधे लऽ जेतै अहाँके ओहे जाहि पड़तै से दबाव नै देतै। हाँ यदि जे छै से एक तऽ हम ई बात कहब जे ओतेक जादे आइसोलेशन मे माने बहुत ज्यादे अव्यवस्था छै जते ढंग से कहल जा रहल छै तऽ हमरा बुझाइए जे कि जे हाँ सुधार के जगह सब तऽ छै निश्चित रूप से जे छै से ग्रेजुअली सुधार होबे के चाही सुधार नै होबे के चाही से हमर कथन नै अछि। बढ़िया से बढ़िया जे छै से पेशेंट के जे छै से संतुष्ट कयल जाए या हुनका जे छै से बढ़िया स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अनुसार जे छै से आइसोलेशन सब कयल जाए एहिमे दू मत के तब बाते नहीं छै। हरेक जगह से जे छै से सरकार के तरफ से हरेक जगह से हॉस्पिटल के तरफ से हॉस्पिटल टीम के तरफ से जे भी ओहि में संलग्न छथि हुनका सबके आइसोलेशन के बढ़िया व्यवस्था होबे के चाही जैसे कि जे संक्रमित लोग सब ओहिठाम गेल छथि हुनका सबके बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी मिल सके एहि बात पर तो दू मत के बाते नहीं छै। लेकिन एक बेर जे छै से आइसोलेशन में यदि बढ़िया व्यवस्था नहीं हेतै आइसोलेशन में लोग जेबे नहीं करथिन तो सबके जे छै से खास कर जिनका में लक्षण चिन्ह छै जिनका में लक्षण चिन्ह दिखाई देने छै हुनका तो जे छै से फिर कोविड हॉस्पिटल में राख के पड़तै कोविड के जे छै आइसोलेशन में राख के पड़तै तो ओहन अवस्था में आइसोलेशन के जरूर सुधार होबक चाहिए। आइसोलेशन के क्षमता मतलब जे फिट नै छै तो हुनका तो जाहि पड़तै जे फिट नै छै जी जे स्वस्थ नहीं छे जिनका में अत्यधिक जी हाँ तिनका तो जे छी से वो आइसोलेशन में जाय पड़ते जाय पड़ते जी करके पड़ते लेकिन जिनका में लक्षण चिन्ह नहीं छे जे अपना के फिट बुझे छे पॉजिटिव टा मात्रे छे बाकी कोनो लक्षण चिन्ह उनका नहीं छे ना वो अपना के हेल्दी बुझे छे तो ओहन अवस्था में घर में जो रह के वातावरण छे क्राइटेरिया जो मीट करे छे हाँ हम अखन बतायब जी आप क्राइटेरिया कहल जाए की सब छै घर में रह के जी ओय के लेल जे छै से अपने के की सब छै जे कि जे पालन करा के लेल किछ मापदंड सब जे छै से नेपाल सरकार बनेने छै जेना कि घर में पूरा लाइट और वेंटिलेशन होबे के चाही ठीक छै माने माने हवा के और प्रकाश के जे छै से जैसे कि जे ठीक रहे कला त कोविड जतय जै रूम में हवा नहीं खेले छे जे रूम में हवा के सर्कुलेशन बेसी नहीं छे वही ठमन कोविड के संक्रमण बेसी बढ़ सके वही ठमन ज्यादा समय तक रह सके कोविड वायरस कोरोना वायरस। लेकिन जे में क्रॉस वेंटिलेशन छे जे में हवा और प्रकाश के प्रचुर मात्रा छे वही ठमन जे छै से कोरोना वायरस बेसी देर नहीं रह सके एहन रिसर्च सबसे देखायल गेल छे ते दुआरे जे में घर में जे घर में संक्रमित बिरामी रही छथि रहता ते घर में जे लाइट और वेंटिलेशन के बढ़िया व्यवस्था होबे के चाहिए। अब वही सब बाहर घर से बाहर जे छै से नहीं निकला पड़ल और परिवार के सदस्य कोनो सामान मंगावे पड़ल तो परिवार के सदस्य के आवाज द क से मंगावे पड़ल अपने वही घर से बाहर निकल कर जे छै से नहीं जाय के पड़ल सामान्य अवस्था में खान पीन में विशेष सावधानी सब अपनावे पड़ल प्रशस्त पानी पीबे के पड़ल प्रशस्त झोलीलो चीज जे होइ छै से सब जे छै से खाय पड़ल पोषीलो पोषक तत्व सब
से बढ़िया से उनका खाए के पड़े सामान सबसे होइ छै उ हुनका लेल अलगे अलगे हो वक्के चाही उ दोसर व्यक्ति सब प्रयोग नहीं करत इ सब में लिखल छै जे अपने से साफ करका अपने से जे छै से अपने जगह पर रखता वही में जे छै से फिर दोसर आदमी वही के प्रयोग नहीं करतै ते बात सबके सुनिश्चितता होबके चाही शौचालय स्नान घर सब जे छै से हुनकर छुट्टे अलग होबके चाही टॉयलेट बाथरूम हुनकर जे छै से हुनका प्रयोग के जते भी सामान होइ छै से सब अलग होबके चाही से बात दोसर क्यों नहीं प्रयोग करे से बात टॉयलेट बाथरूम के जे छै से बढ़िया से डिसइनफेक्टेंट से अपने से उ साफ करे से बात सब जे छै से वही प्रोटोकॉल में इस सारा चीज जे छै से लिखल छै सब सफाई हैंड वॉश के बढ़िया व्यवस्था होबा के चाहिए साबुन सैनिटाइजेशन सैनिटाइजर आदि इत्यादि हुनकर तौलिया आदि सब जे भी होइ छै हुनका प्रयोग के सामान सब से सब जे छै से छुट्टे होबा के चाहिए जे भी प्रोटोकॉल में लिखल छै जे गाइडलाइन में लिखल छै ई सब हम पुआरे जे छै से गाइडलाइन बनाएल गेल छै एकर बाद जे छै से झाल ढोका ई सब जे छै से एकरो सबके जत छुबे करेठम डिसइनफेक्टेंट रहते वो अपने से अपना रूम के झाड़ ढोका के साफ करित रहता जैसे कि ककरो वही से सरे नहीं ई सब बात सब जे छै से ओहि में बढ़िया अनिवार्य रूप से मास्क लगा भी पड़तन हुनका घरों में रहता त हुनका जे छै से मास्क लगाब के पड़तन से बात छै ओहि घर में यदि 60 वर्ष से केओ ऊपर के लोग वृद्ध छथि वृद्ध वृद्धा सब छथि हुनका वही से जे छै से अलग राखे के पड़तै 2 मीटर के दूरी तो एकदम निहायत जरूरी छै जे 2 मीटर से ज्यादे फासले पर ही हुनका से केओ जे छै से देख सकैए या बात कर सकैए वही के लेल मिनिमम 2 मीटर के दूरी तक कायम कर ही के पड़तन 3 बेर जे छै से वही के लेल जे छै से स्वास्थ्य कर्मी रहते उ स्वास्थ्य कर्मी जे छै से हुनका 3 बेर कमती में 2 बेर 3 बेर माने संक्रमित के दिन में 3 बेर बुखार जांच के स्वास्थ्य कर्मी के टोकल रहते टोकल रहबाक चाहिए उ रहते के कौन संक्रमित के स्वास्थ्य कर्मी देखते उ टोकल रहते और स्थानीय तौर के जे स्वास्थ्य संयोजक छै जे छै से जे स्थानीय तौर के जे जांच करते स्थानीय तौर के जे स्वास्थ्य संयोजक छै वह तोक से हाँ वह रहता चाहे उ जे तोकने रहथिन स्वास्थ्य कर्मी से रह स्वास्थ्य कर्मी से भेंट होबा नहीं सकलै त SMS के जरिए या फोन के जरिए हुनका जे छै से हुनका स्वास्थ्य कर्मी के ई बार बार जे छै से जानकारी लेबा पड़तै और स्वास्थ्य कर्मी के जानकारी देबा पड़तै जे स्वास्थ्य अवस्था हुनकर केहन छै ई जे छै से बात भ सकैए जे कि जे माने वर्चुअल भी भ सकैए हाँ जे कि जे हुनकर टेम्परेचर कते छै या त हुनका सिखा देबा पड़तै जे एना के टेम्परेचर लेबा के पड़लै और हमरा जानकारी कराओ पड़लै जी एकटा आम धारणा ई छै जी एकटा आम धारणा ई छै कि होम आइसोलेशन त VIP सब के लेल मात्र छै बड़का आदमी सब के लेल मात्र छै आम सर्व साधारण के लेल त नै छै से के एकटा आम धारणा बनल छै नै त अपने के की लगे आम सर्व साधारण अगर जाय छै जे अपने कहलियै एकटा फोकल पर्सन छै स्वास्थ्य संयोजक छै हुनका से भेटतै नै या ओ भेटतै त तेहन अवस्था में कोनो किस्म के दबाव हुनका पर नै देल जेतै कि अहाँ अस्पताल में जाओ तेहन किस्म के दबाव नै देल जेतै से अपने कहि रहल छी हाँ एकदम प्रोटोकॉल अनुसार जे छै से ओ त हम पहिले कहि देलहुँ जे कि हुनकर इच्छा के बात छै मंजूरी नामा के मतलबे भेलै जे कि हमरा घर में यदि अपना घर में रह के व्यवस्था यदि अइ प्रोटोकॉल से हुनका त पढ़ के ई सुनायल जेतै ई क्राइटेरिया सब पहले जे छै से सुनायल जेतै वही अनुसार के हुनका अपना बुझाइ छन कि हम ई क्राइटेरिया सब के पूरा करब आ हम रह सकै छी 14 दिन आराम से रह सकै छी हम हमरा कोनो दिक्कत नहीं है ठमन यदि हमरा लेल ऑलरेडी जे छै से एकटा स्वास्थ्य कर्मी हमरा संपर्क में रहता स्वास्थ्य अवस्था हुनका जानकारी हत ई जे छै से सुनिश्चितता जे छै से होबा के पड़लै तो तै दुआरे अइ में कोनो VIP के लेल मात्रे छै सर्वसाधारण के लेल नै छै तेहन बात नै छै प्रॉब्लम एकैटा की छै जे अपना सबके घर के मॉडल
छुट्टे टॉयलेट, छुट्टे बाथरूम, छुट्टे जे छै से लिविंग रूम रह वाला बहुत कम घर छै, ओहन घर बहुत कम छै। एहि लेल अपना सबके प्रदेश नंबर दू के मे कनी दिक्कत जे छै से छै। जते लोग जे छै से मान लियू जे कि 70-75% तक बिना लक्षणे चिन्ह के बीमारी सब देखाई दै छै, लेकिन जो क्यों रहू चाहता जे हम होम आइसोलेशन में रही, लेकिन हुनका पास जे छै से वही टाइप के घर के संरचना नहीं भेला के कारण, उ सब सुविधा नहीं भेला के कारण भी जे छै से बाध्यता छै लोग के होम आइसोलेशन में नहीं रह के, जैके कारण हुनका जे छै से हॉस्पिटल बेस्ड अथवा कोविड के जे डेडिकेटेड हॉस्पिटल छै आइसोलेशन छै वही में लोग जाके एकटा बाध्यता भी रहै छै। आइसोलेशन से निकल के लेल की छै अपने के जे की जे लक्षण चिन्ह यदि नहीं देखल गेल छै तो 14 दिन के बाद जे छै से हुनका टेस्ट नहीं करे के पड़तै। यदि लक्षण चिन्ह कोनो नहीं दिखाई देने छै तो गाइडलाइन अनुसार टेस्ट करे के गाइडलाइन नहीं कह रहल छै। 14 दिन यदि वो आइसोलेशन में रहल छथि और आइसोलेशन में 14 दिन रहला के बाद भी हुनका कोनो लक्षण चिन्ह दिखाई नहीं देने छै तो ओहन अवस्था में जे छै से ओ टेस्ट करे के गाइडलाइन नहीं बजे छै। सामान्य लक्षण चिन्ह के हक में भी 14 दिन या लक्षण समाप्त भेला के बाद, सामान्य लक्षण सबके जे बात पहले भेल छलिए हां, तो ओहो लक्षण चिन्ह समाप्त भेला के 3 दिन तक भी यदि कोनो लक्षण चिन्ह नहीं दिखाई देने छै तो ओहिमे टेस्ट करे के जे छै से बात गाइडलाइन नहीं करै छै। मतलब ई होम आइसोलेशन में जे सब छै तिनका सबके लेल ई व्यवस्था कयल गेल छै। हाँ, माने टेस्ट नहीं करा पड़ता है, यदि कोनो लक्षण चिन्ह नहीं छै तो टेस्ट नहीं करा पड़ता जी। आ लक्षण छै आ ओहो अगर हरा गेले, लक्षण देखेनाय बंद भ गेले, हरा गेले हरेला के 3 दिन के बाद भी ओ फ्री भ गेले, हुनका टेस्ट नहीं करब। अब एकटा होय छै ने कि निगेटिव जाले तक प्रमाणित नहि भेल ताले तक तो डर तो एकटा रहै छै ने, नै हुनक आस पड़ोस के व्यक्ति भ सकै छै तऽ ओ सब कहैत होतै कहाँ तोरा निगेटिव एलो, नहि तऽ से तऽ बात भ सकै छै तऽ फेर टेस्ट के तऽ आवश्यकता पड़ि जाइ छै ने ओइ जगह। नहि तऽ गाइडलाइन ई चीज नहि बजै छै अखन, अखन के जे अवेलेबल गाइडलाइन छै ओ गाइडलाइन ई चीज नहि कहने छै जे कि जे हरेक पेशेंट के आइसोलेशन में रखला के बाद हुनका जे छै से 2 बेर या 3 बेर या 1 बेर टेस्ट करे पड़तै, से अखन गाइडलाइन नहि बजै छै। प्रोटोकॉल से हटि गेलै, एकर बाद जे छै से ओ नहि रहलै और कहलके जे कि जे यदि प्रोटोकॉल ई बजले, गाइडलाइन ई बजले नेपाल सरकार के और अंतरराष्ट्रीय रूप से भी देखल गई बहुत जगह के बहुत कंट्री सब के, तो वही के आधार से एकटा ई लर्निंग भेलै जे कि जे यदि आइसोलेशन में रहला के बाद यदि 14 दिन तक कोनो लक्षण चिन्ह दिखाई नहीं दै छै या सामान्य लक्षण चिन्ह छलै या लक्षण चिन्ह समाप्त भेला के 3 दिन के बादो तक यदि जे कोनो लगातार 3 दिन तक जे छै से नहीं दिखाई देलकै तो हुनका टेस्ट नहीं करे के पड़तै जी। तो ई तो भेलै प्रोटोकॉल के बाद, ई तो भेलै प्रोटोकॉल जे राज्य तो कहलकै से बात, लेकिन एकटा की होइ छै कि एकटा अपनो विश्वास नहि भेल कि हम कोरोना से मुक्त भेलिए कि नहि भेलिए 14 दिन रहला के बावजूद, एकटा ओ बात। आ दोसर बात, अगर केओ जे होम आइसोलेशन में रहै छै तो ओहन अवस्था में एकटा की छै कि जाले तक निगेटिव प्रमाण पत्र नहि देबै ताले तक दोसर जे गाँव टोल के व्यक्ति सब छै ओहो सब विश्वास नहि करै छै, समाजे पतियाइ नहि छै ने। तऽ ई समस्या तऽ हमरा अहाँके समाज में तऽ छै, ताहि दुआरे एकटा तऽ प्रमाण पत्र तऽ चाही कि निगेटिव वास्तव में छै। नहि ठीक छै, ओ बात छै, सही बात छै। ओहि के लेल जे छै से फेर ओना तऽ हेतै नहि, ताहि लेल हम अगर कोई स्वेच्छा से, मानि लो प्रोटोकॉल में नहि छै ने, अगर कोई स्वेच्छा से कराबे चाहे छै पीसीआर टेस्ट तऽ करा सकै छै। हाँ हाँ हाँ, ओ करा सकै, ओहि में कतौ बन्देज नहि छै, ओहि में कतौ बन्देज नहि छै, ओ करा सकै छथि। लेकिन जनरल, इन जनरल माने नियमतः जे छै से माने होभी के चाही जाबत तक प्रोटोकॉल नहीं बजतै, जाबत तक नेपाल सरकार के जे मापदंड छै, जे गाइडलाइन छै, जे निर्देशिका छै, ताबत तक 100% के तो नहीं हेतै। स्वेच्छा से तो अपन ओ करा सकै छथि, लेकिन
मैंडेटरी तो नहीं हेतु कि जते भी संक्रमित लोग सब आइसोलेशन में डिस्चार्ज से पहले हुनकर जे छै से नेगेटिव रिपोर्ट नहीं एतै जावत तक उ डिस्चार्ज नहीं भ सकै छथि। एहन जाबे प्रोटोकॉल नहीं बसतै ताबत तक ई मैंडेटरी नहीं हेतै। ततै दुआरे जे छै से या तो प्रोटोकॉल में जे छै से राख के पड़तै। अब भ सकैए जे कि जे नेपाल सरकार अपने ही कह रहा छी कि प्रोटोकॉल जे बनाओल गेल छै ओ अध्ययन कइए के बनाओल गेल छै कि 14 दिन के बाद अगर 14 दिन के भीतर में कोनो लक्षण नहीं दिखाई गेलै तो उ संक्रमण मुक्त भ जाय छै। जी एकटा और बात एमे हम थपा चाहब जे यदि कोनो व्यक्ति पॉजिटिव केस के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आयल छथि या स्वाब कलेक्शन जे भेलै मान लियो तो माने संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अला के या क्वारंटाइन में 5 दिन बैसला के बाद 5 दिन से 10 दिन के बीच में की होई छै माने शंका लागल से लकर 5 दिन से लकर 10 दिन के बीच में की होई छै जे कि जे पीसीआर पॉजिटिव आव के बेसी संभावना रहै छै या रिपोर्ट बुझियो ना रिपोर्ट पॉजिटिव से भी ज्यादा रिपोर्ट सही आव के जे छै से बेसी संभावना रहै। 14 दिन के बाद जे छै से संभावना रहै छै जे नेगेटिव हेतै चूंकि बीच में ओते दिन के बाद 10 दिन के बाद या 14 दिन के बाद जे छै से की होइ छै कि वही वायरस के विरुद्ध में कोरोना वायरस के विरुद्ध में एंटीबॉडी रहै छै तैयार भ गेल। से एहि के लेल भी जे छै से हमरा विचार से ई प्रोटोकॉल में ई राखल गेलै जे कि जे अंततः जे छै से यदि वायरस सक्रिय नहीं छै शरीर में तो 14 दिन के बाद तो जैसे से निष्क्रिय भाई छे एंटीबॉडी बन जाए छे प्राय नेगेटिव आवे छे और लक्षण चिन्ह नहीं रहे छे तो वहन में जैसे से रिसोर्स के किया दुरुपयोग कैल जाए। अब एक टा बात इहो अवैत रहे छे विजय जी एक टा बात इहो अवैत रहे छे कि जेना एक टा तब हेले कि होम आइसोलेशन में रह के बाद एक टा भले होम आइसोलेशन में रह के बाद आ दोसर बात ई छे समस्या हमरा अहाँ के समाज में जे एक समस्या देखल जाए छे क्यों जे संक्रमित भ जाए छे ने तो सीधा छुआछूत वाला बात चल आबे छे हो हल्ला भ गेल ए एकरा घर में तो ई संक्रमित छे तो एक किस्म से कतौ ने कतौ बहिष्कार समेत कैल जाए छे एहन अवस्था तो देखल गेल है तो एहन परिस्थिति में वो केना के रह सके छे घर में वातावरण केना के बनाओल जाए। एकटा तो स्वेच्छा से छे कि हम होम आइसोलेशन में रह जाओ लेकिन हमरा अहाँ के समाज रह दौड़ल छै कि नहीं दौड़ल छै जी एकरा छुआ छूत से जोड़ के एकरा जे छै से अपने के जे छै से एकरा हेला कर के छुआ छूत से जोड़ के एकरा जे छै से माने अलग नजर से देख के ई कोनो दुष्कर्म नहीं छै ई कोनो पाप नहीं छै कोरोना वायरस माने ई विषाणु छै ई केकरो भ सकै छै अइ में जे छै से तेहन कोनो बाते नहीं छै अइ में तो ज्ञान के कमी छे हम बुझी छी जे जानकारी के कमी छे सोच के कनिक जे छै से सकारात्मक राख के पड़ले नकारात्मक नहीं बनावे के पड़ले क्यों भी ऐ सब संसार के बड़ा बड़ा लोग सब जे छै से ई सब प्रभावित भेले है क्यों नहीं जानी छे जे कत्ता छै कोरोना आ कोरोना कत्ता नहीं छै से तै लेल परिवार या समाज के लोग जे ई सोचे छथि जे कि जे जिनका कोरोना लाग गेलै उ घर में केना रखता उ अछोप भ गेलै अथवा जे छै से उनका जे छै से आब एहन सोचे रखनाई गलत छै एहिसँ की हेतै ओहन आदमी के सपोर्ट चाही संक्रमित व्यक्ति के सपोर्ट चाही सहयोग अहाँके यदि दोसर कोनो बीमारी भाई छे तो केना लोग सहयोग करे छे तहिना तो वायरस से हो वाला तो अखन देखी छियै वायरस से तो सर्दियो खोखी तो वायरसे से लगे छे ना सर्दी खोखी के कथी लानी जे छी से हम सब कह दी छी हेपाटाइटिस लगे छै एचआईवी एड्स जे छी से वायरस से होय छै रेबीज रोग जे कुकुर जे कटे छै उराय वायरस से होय छै ओकरा अछूत नै मानै छियै बहुत सारा जे छी से अहाँ के रोग सब छै जे कि जे पोलियो जे छी से वायरस से भाय छै बहुत सारा रोग छै जे छी से वायरस से होय छै सोच परिवर्तन करा पड़लै तो ई तो मेडिकल ई तो रोग छै एहि रोग में जहन आप जे छी से कुष्ठ रोग समेत के लोग जहन हेला नहीं करै छै ते ई कोरोना कोरोना के जे छी से एहि में जे छी से छुआछूत अथवा घर में नहीं पैसा देबै त ई में जे आप कहू त जत्ता जे छी ई मानवीय गुण नहीं त नहीं भेलै
बीमार छै कोनो भी व्यक्ति यदि बीमार छै त मानव एक मानव के दोसर मानव के प्रति के की होइ छै बात मानवता कथि के एकटा त लेकिन अखन देखल जा रहल छै कि एकटा त भेलै अपने जना कहलियै कि स्थानीय त के जे स्वास्थ्य संयोजक छै हुनका स बात विचार क के तै के बाद मंजूरीनामा लिख क होम आइसोलेशन में रह सकै छै एकटा परमिशन त ओत स भेट गेलै स्थानीय त स परमिशन मान लु भेट गेलै लेकिन कतौ न कतौ व्यवहारिक रूप में जत हम रहै छियै ओकर आस पड़ोस सेहो परमिशन कतौ न कतौ आवश्यक पड़ि जेतै जे हिसाब के हमरा अहाँ के समाज है ओना त अपने कहबे केलियै कि सोच परिवर्तन केनाइ जरूरी छै लेकिन कतौ न कतौ ई चीज देखल जाइ छै कि समाज के ओहन किसिम के सोच सकारात्मक बनाव पड़लै कि ओ अहि समाज के व्यक्ति से हुनका रह दियौ। अब हम तो वह बात कहब जे कि जे कोरोना केकरो भ सकै छै ई सोच के परिवर्तन करय के पड़लै एक दोसर के सहयोग करय के पड़लै और मेंटेन करय के पड़लै संयमित जरूर होबे पड़लै एहि के बारे में जानकारी राखे के पड़लै और बेस्ट प्रैक्टिस जे होइ छै से करय के पड़लै संसार भर अखन जे छै से संसार के एतेक सारा माध्यम छै नेट इंटरनेट जे छै से सारा जे छै अहाँ के सोशल मीडिया सब छै ओहिसँ जानकारी लऽ सकै छियै एहन समय में तो लोग एक दोसर के सहयोग करै छै एहि में जे छै से बाइकाट कर देबै या घृणा कर देबै या छुआछूत के रूप से लेबै त तखन त जे छै से तहन त ई मानवता वाला बात नै भेलै तै लेल त हम त ई आग्रह करब और साइंस के बुझा के पड़लै ना विज्ञान के बुझा के पड़लै ना त तै दुआरे ओकरा जे छै दूरी बना के राख के छै मास्क लगाबे के छै हैंड वॉश करे के छै भीड़भाड़ नै करे के छै भीड़भाड़ में नै जाय के छै ई सब करय के छै लेकिन मान लियो कोनो घर में अपना घर में होम आइसोलेशन में छै त आब ओहि समाज के लोग कहे जे कि जे भाई हम एकरा रह ही नहीं देबै ई समाज में जे छै से रह ही नहीं देबै एकरा बाइकाट कर देबै तेहन बात नहीं छै प्रिकॉशन लेबे पड़लै सावधानी लेबे पड़लै और घर के वातावरण जो जौ प्रोटोकॉल अनुसार रह वाला छै निर्देशिका बमोजिम जो रह वाला छै बहुत आदमी जे छै से होम आइसोलेशन में छै बहुत आदमी अपना अपना घर में होम आइसोलेशन में छै देश में या विदेश के बात करी या इंडिया हो नेपाल हो बात के बुझा पड़ले जी जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दर्शक वृंद ओ छलथि विजय कुमार झा प्रदेश दू स्वास्थ्य निर्देशनालय के सह निर्देशक आइ हुनका से बातचीत करै छलिए जे होम आइसोलेशन के प्रावधान की छै जेना हम अहाँ सुनते आयल होबै कि वी आई पी सब मात्र होम आइसोलेशन में रहै छै हुनका सबके मात्र एहन किस्म के परमिशन छै हुनका सबके विशेष सुविधा देल जाइ छै ई बात नै छै जना कि ओ कहि रहल छलथि कि सर्वसाधारण व्यक्ति सेहो अगर लक्षण नै छै त स्वेच्छा सँ मंजूरी नामा द क होम आइसोलेशन में रहि सकै छी एहि के लेल स्थानीय तह में जे स्वास्थ्य संयोजक छै हुनका सँ भेटऽ पड़लै कोनो किस्म सँ कॉन्टैक्ट करऽ पड़लै या ओ कॉन्टैक्ट करतै तै के बाद मंजूरी नामा देला के बाद हुनका होम आइसोलेशन में रह के परमिशन भेटतै लेकिन एकर शर्त छै कि होम आइसोलेशन में रह के लेल किछु मापदंड सब सरकार तोकने छै ई मापदंड पूरा करऽ पड़तै तब मात्रे होम आइसोलेशन में रहि सकै छै कोई भी सर्वसाधारण एहि विषय में आइ चर्चा करै छलियै बेस्त नमस्कार।